नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। विवादों और कामयाबी से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का पुराना नाता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ और खेसारी लाल यादव से हुए लड़ाई को लेकर के चर्चा में बने हुए थे। अभी एक बार फिर से पवन सिंह की चर्चा होने लगी है। बीते काफी दिनों से सोशल मीडिया पर पवन सिंह और स्मृति सिन्हा के रिलेशनशिप की खबरें भोजपुरी गलियारों में उड़ रही थी, तो वहीं पहली दफा स्मृति सिन्हा ने अपने रिलेशनशिप की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए सारी अफवाहों को झूठा करार दिया है। जी हां, हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में स्मृति सिन्हा ने जो कहा उसे सुन आप भी सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। स्मृति सिन्हा ने इंटरव्यू में कहा कि इस इंडस्ट्री में ना तो मैं नई हूं ना तो पवन सिंह नए हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि किसी हीरोइन के साथ उसके को एक्टर का नाम जोड़ा जा रहा हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई हीरोइन किसी एक्टर के साथ बैक टू बैक काम कर रही हो। इससे पहले भी पवन सिंह अपनी कई एक्ट्रेसेस के साथ बैक टू बैक गाने लाते रहे हैं। अभी पवन सिंह जी के तलाक का जो भी चल रहा है उसमें मुझे उनके साथ जानबूझकर जोड़ा जा रहा है। स्मृति सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि पवन जी के तलाक का जो भी प्रोसेस है वह पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैंने उनके साथ 5 महीने से ही काम करना शुरू किया है। अपने को स्टार की तारीफ के पुल बांधते हुए स्मृति सिन्हा ने पवन सिंह के बारे में कहा कि पवन सिंह का स्टारडम कुछ ऐसा है कि वह किसी को आंख भर देख ले तो वह भी न्यूज बन जाती है। ऐसे में इन उड़ रही अफवाहों का हम कुछ नहीं कर सकते। स्मृति सिन्हा ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि स्मृति सिन्हा की इन बातों में कितनी सच्चाई है। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।